बोल उसको जाके कुछ बोल के फायदा है। ये बहुत इश्यूज है यहाँ पर, ये देखो फोन पे। और गुड मॉर्निंग गाइस, डे टू, चाय चल रहा है, मैं रेडी हो चुका हूँ, आज जल्दी निकलना है। आगे का स्टोरी आगे बता। छह बजे तो मैं ब्रश करने गई थी, मस्त वाली नींद है यार गाइस। बहुत मतलब ऐसे ना डेड, मतलब फ्रेंकली बता रही, राइड के बाद जो नींद आती है ना, वो नींद आज का राइड जो अपना है वो कैप्चर होने वाला है नए वाले GoPro पे। वो क्या हुआ है तो प्रीवियस स्टोरी जाके, प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। अभी चलने का, चलने का, चलो बाबा। शाबाश, बटन दबाते ही टिटी टिटी होता है, मजा आता है। व्हाट्स दैट? ए, किसी ने खरोचा मारा तेरे इस पे, शिट। हाँ 100%। बोल उसको जाके, बोल के बाद ही बोला है, कुछ बोल के फायदा है नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली इतना अच्छा होटल करके कोई फायदा नहीं है गाइस। ये देखो क्या हुआ है, टायर भी रहा तो नहीं लग रहा है। लेट्स गो। डे टू चालू हो गया है। टुडे वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम कोल्हापुर टू, स्टे ट्यून्ड, हम लोग का भी कुछ फाइनल नहीं है। या तो हम लोग को आंध्र प्रदेश की तरफ निकलना है और बीच में पड़ता है हम्पी, तो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। जहाँ पर भी जाएंगे ज़रूर बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बेस्ट थिंग गाइस कि हाईवे के नज़दीक रह रहे थे हम लोग, चाहे जो भी हुआ है सचिन के बाइक पर, बट ठीक है, वापस टिकर विकर कर देंगे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइड्स। अगर सचिन ने जैसे आपको पता है बोला था मुझे कि अगर बाइक को सिर्फ देखते रहना तो चमकाते रहे और देखते रहे, बाइक मत चला, क्योंकि बाइक चलाओगे तो ये सब इट्स टेंड टू हैपन। नाइस फॉगी मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी ब्यूटिफुल वेदर। कितना डिग्री सेल्सियस है सची? 21 डिग्री। लेकिन हाँ, कोल्हापुर में इतनी ठंडी नहीं है कल से, तो बेस्ट थिंग इज़ कि अभी हम लोग निकल रहे हैं और हाईवे के नज़दीक रहने का यही चाम है कि फटाफट अपना जो हाईवे है उस पर कनेक्ट हो जाते हैं। सो द बेस्ट थिंग, आज GoPro में मैं बहुत बड़बड़ करने वाली हूँ, क्योंकि डे वन अपना इतना अच्छा नहीं रहा है GoPro को लेकर, तो बहुत बहुत बड़बड़ करने वाली हूँ, आप लोगों को सुनना पड़ेगा। महाराष्ट्र खत्म झालेला आहे इकडे गाइस, आता आम्ही ऑफिशियली कर्नाटक में एंटर कर चुके हैं। एंड लुक कैर इट मैन, ओ ये क्या है, फुल स्लो। अभी दिख रहा है दूर का थोड़ा। याद रखो कि फॉग के टाइम पे है ना, आप अपना हैजर्ड राइट जो है वो चालू कर सकते हैं। सचिन आगे जाओ मत, मैं जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है आकाश में। बहुत मजा आ रहा है। अभी पहली चीज, जब भी आप फॉग में चला रहे हो तो आप हैजर्ड लाइट चालू कर सकते हो। हैजर्ड लाइट सिर्फ आपको फॉग के टाइम पे ही चालू करना है। दूसरी चीज, अगर ऐसी कोई गाड़ी दिखी तो आकाश में चलाने से अच्छा, बादलों में चलाने से अच्छा कोई तो गाड़ी को फॉलो करो, बट कीप अ सेफ डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉग में चला रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं तेरा। ऐसा एक्चुअली में ना, ये फॉगी वेदर में ना साइड में भी रुकना बड़ा डिफिकल्ट और डेंजरस हो सकता है, तो नहीं करते हैं, लेट्स बी सेफ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। चलो अभी यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा चाय की चुस्की मारते हैं।
खाके निकलते यहाँ पे क्या मस्त लग रहा है। तो तब तक फॉग भी कम हो जाएगा बिकॉज इट्स स्टिल रिस्की टू ड्राइव और राइड इन फॉगी मॉर्निंग। Let's go. Meta subscriber from Pune. It was so good meeting him. Scene ये था कि वो morning Pune से 3 बजे निकले हैं और यहाँ पर कोल्हापुर पे पहुँच गए हैं अभी. Not bad on Apache. Amazing guys. Amazing dedication यार. Bikers they are the best. So we met a subscriber. यहाँ पर रुकते हैं. वो parallel चला रहे थे तो हम लोग को था कि क्यों parallel चला रहे हैं. परेशान कर रहे हैं लेकिन. So sorry. No, that's okay. Hello. अपनी अप्सरा फेमस है यार. आपका नाम क्या है? आकाश. नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. अरे वाह. चलो बाय बाय. ओ माय माय. ओ हो. व्हाट अ व्यू मैन. मैं मस्त भगा कर आ रही थी पीछे से और मैंने बहुत दूर से देखा. मुझे लगा कोई तो बाइकर्स लोग होंगे. सैडल बैग दिख रहे हैं, अच्छे से लगेज सेटअप किया है देखो तो. बट इवन देखो जो भी 2 टू व्हीलर्स चला रहे हैं वो सभी लोग होते हैं बाइकर्स. तो रिस्पेक्ट टू दीज गाइज, अगेन गुड जॉब. दूसरी बात, अगर आपने पीछे बोर्ड देखा होगा तो हुबली हम लोग अभी आई थिंक 102 किलोमीटर्स है टू हुबली. तो धारवाड़ वारवाड़ वो करके आई थिंक हुबली हम लोग पहुँचेंगे और हुबली से हम लोग जाएंगे आज हम्पी. हम्पी में रुकेंगे. मेरे को अभी भी याद है हम्पी हमने किया था CBR 250 से 7 या 8 साल पहले. मेरी शायद दूसरी या तीसरी वो लंबी राइड थी. 4 दिन की छुट्टी मिली थी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे. नवरात्रि चालू था उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि एक दिन पहले ओटी भर के निकले थे हम लोग. ओ माय गॉड, ऑफिस टाइम्स याद आ गया मुझे जो जब 4 दिन की छुट्टी मिलती थी और घूमकर होता नहीं था फिर भी जाना पड़ता था घर पे. अभी तो हम लोग को ऐसा है कि जहाँ पर चीज़ें देखनी है रुकनी है रुक जाओ भाई, अपना बस चलता है अभी. यू नो पर्क्स ऑफ हैविंग यू नो बिजनेस एंड जॉब. अब करेंगे हम लोग चेन क्लीन और चेन राइडिंग का सबसे बेस्ट चीज है ऐसे रास्ते में कहीं ही पर भी रुक सकते हो और मजे कर सकते हो. चलो 10:15 बज चुके हैं और अभी और 100-120 किलोमीटर स्ट्रेट है यहाँ से हुबली तक. देन विल टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हुबली एंड वाओ मज़ा आ रहा है. वेदर भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, 27 डिग्री सेल्सियस है. अभी सिर्फ एक वाटर ब्रेक एंड आज फ्रूट्स खाने हैं. फ्रूट खाने का मन कर रहा है, लंच में फ्रूट्स खाएंगे आज. जो भी प्लान चेंज होते हैं मज़ा आता है उसमें, मज़ा आना चाहिए. लॉन्ग राइड्स पे निकलते हो ना तो आपके मर्जी के हिसाब से नहीं चलते, तो यू हैव टू एडजस्ट योर प्लान्स. तो जो भी होता है लॉन्ग राइड्स करनी है तो आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी और वही चार्म है लॉन्ग राइड्स का एंड एडवेंचर का. किरण बोल रहे इजंट इट इन लव विद किरण्स हेलमेट. आदाब वर्जे, शुक्रिया. तो ये सिंगल लेन रास्ता 30 किलोमीटर के लिए चालू रहेगा. उससे पहले पानी फटाफट ले लेंगे, पियेंगे और आगे चलेंगे. किरण का फेवरेट पानी एक्वाफिना और अभी हम लोग बंदर बनेंगे ग्लास. यहाँ से गोवा भी जा सकते हैं. IBW से काफी राइडर्स रिटर्न जा रहे हैं.
धारवाड़ वाला सबसे डेंजरस रोड चालू हो चुका है। यहाँ पे काफी रिस्की ओवरटेक्स होते तो करना नहीं है, आराम से चलना है। 30 किलोमीटर ही है, अति घाई संकट जाई गई, तो आराम से चलाना है ये सिंगल लेन रोड पे। और हम लोग कल और आज IBW था, हम लोग को रश में जाने का मन नहीं था बिल्कुल। बहुत टाइम के बाद राइड हम लोग प्लान कर रहे हो नहीं रहा था, नहीं था, जस्ट वांटेड टू राइड अ लॉट। जब तक थकते नहीं है, हाथ नहीं थकते, बॉडी नहीं थकते, उतना राइड करने का था हम लोग को। ये सुपरमैन देखो क्या बोल रहा है, मुंडी हिला रहा है बस। रास्ता इतना बोरिंग है ना, इतना मतलब कंटाला आ रहा है ना। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना मतलब को हॉर्न मार दिया? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सिर्फ एकदम छोटा सा ऐसा कर दिया, बट देयर वाज नो रीजन टू डू इट। सब लोग अपने हिसाब से जा रहे, स्लो चला रहे हैं, होता है ऐसा, होता है। आई थिंक वो खुद को थोड़ा जगाने के लिए, बोरियत से बाहर निकलने के लिए आपको वो हॉर्न बजाना पड़ता है। हॉस्पिट 158 किलोमीटर, सो लेफ्ट चलना है हमें, पेट्रोल भर के चलने का। 150 किलोमीटर का रेंज अभी भी दिखा रहा है गाइस। फिर भी किरण को कुछ अर्जेंट कुछ कॉल आया है, तो शी इज टेकिंग दैट। 5-6 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, हम्पी आए थे, एंड दिस रोड वॉज पैथेटिक। सिंगल लेन रोड और एकदम गंदे गंदे खड्डे थे, और अभी देखो क्या हो गया है। और ये रास्ते पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये स्टेट हाईवे अंदर का रास्ता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होने वाली, हम लोग मज़े करने वाले हैं। और क्या क्लाउड फॉर्मेशन है यार, मज़ा आ रहा है। और हम लोग बहुत लेट नाइट चला रहे थे। हम लोग को लगा यहाँ पे होटल में कुछ खाने पीने का काम होगा, हम लोग को एक्चुअली रेस्ट चाहिए था थोड़ा, इसलिए आ गए हम लोग, बट इधर कुछ है ही नहीं। स्वाथी रेस्टोरेंट में कुछ नहीं दिख रहा है, वो है प्योर वेज, प्योरली कुछ नहीं है यहाँ पे। सम प्रोटीन ब्रेक, बहुत मस्त वाला टाइम गुजारा हम लोग ने वहाँ पर। थैंक यू, एटलीस्ट शेड तो मिला, खाना नहीं मिला तो। ये जो ऐसे ड्रामेटिक पहाड़ है ना, अभी पत्थरे लगी हुई, ओके। ये बंदा, ये बहुत इश्यूज है यहाँ पर, ये देखो फोन पे। और यहाँ पर ये फास्ट रास्ता है, लेकिन ये सब बहुत इश्यूज है गाइस। बी वेरी 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 कॉशियस व्हाइल राइडिंग ऑन सच हाईवेज। बाय द वे मैं बोल रही थी, ये जो पत्थरों का ड्रामेटिक चीज है ना, अभी चालू हो गया है हम्पी के नजदीक है हम लोग हॉस्पिटल, 35 किलोमीटर। वेरी एक्साइटेड टू गो टू हम्पी आफ्टर 8 ईयर्स। ऑल्सो वी आर गोइंग टू गो टू सम अनएक्सप्लोर्ड रास्ता, और वो रास्ता पहुँचने के लिए हमें नोन रास्ते से जाना है। सो फर्स्ट डेट वॉज मुंबई टू कोल्हापुर, कोल्हापुर टू हम्पी, एंड हम्पी टू टुमारो वॉट, उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। दिस राइड सीरीज इज गोना बी, लुक एट दिस प्लेस मैन। सचिन अभी गया था वहाँ पर रोड पूछने के लिए, क्योंकि हमारा जो होटल है रॉयल ऑर्किड, वहाँ पर इधर वाला रास्ता बता रहा, बट इससे इनकी रास्ता अच्छा नहीं है, तो अभी हम लोग ये वाला रास्ता लेंगे। सचिन लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। छोटा सा बच्चा है तू, अप्सरा ना छोटी सी बच्ची है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी सामान नहीं लगाया है। अपना गब्बर बिग बॉय है, इसलिए सारा सामान कई के बाइक पे है, और कई का बाइक का नाम क्या है? जब्बर। अभी हम लोग पहुंचे हैं हम्पी, दिस इज हॉस्पिट। यहाँ से अभी हम्पी हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 2-3 दिन हम लोग ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, सब देखा हुआ है, तो आप लोग को बताते अभी हम लोग क्या देखने वाले, तो चलते।
ऑटो रिक्शा इज फन गाइस। यस, हम लोग इंटेंशनली बाइक लेके नहीं जा रहे, वी गोइंग बाय ऑटो एंड दिस जेंटलमैन इज व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? एक्चुअली माय नेम इज मांजू। ओके, बट माय फ्रेंड्स इज कॉलिंग फॉर मी सोले। सोले इज माय निकनेम। ओके, सोले। हां, या सोले मीन इन फ्रेंच लैंग्वेज लाइक अ सन। Okay. But my language like a mosquito. Okay. Okay. So we are going to Mallevanta, right? One some secret place. Yes. Mallevanta जा रहे हैं। आप मातंगा हिल्स पे से भी देख सकते हो, बट मातंगा हिल्स पे ज़्यादा स्टेप्स चढ़नी पड़ती है। हम लोगों ने सनराइज देखा है वहाँ से, तो मालेवंता जाएंगे, सनसेट देखेंगे विथ हिज सीक्रेट प्लेस और सीक्रेट पॉइंट। विल सी, विल अपडेट यू। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं लेकिन सनसेट नहीं देखा था, और विंटर्स का सनसेट, ओ हो, सो एक्साइटेड। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, 5-10 मिनट में देखेंगे वहाँ पे। मस्त, चलो। को टेंशन हो रहा है कि यहाँ पे कुछ फीस क्यों नहीं ले रहे लोग। बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे फीस लेते हैं और ऐसे जगह पे फीस नहीं ले रहे हैं। रानी का वाव याद आ गया इस बात पे, हम लोग बहुत घूमा है यार। गुजरात में भी रानी का वाव गए थे, वो भी जगह मतलब इट वॉज अनटच्ड प्लेस। एंड हम्पी सेकेंड टाइम आए हैं यहाँ। लास्ट टाइम भी हम लोग है ना हम्पी बहुत ज़्यादा घूमे थे और बहुत मज़ा आया था, और इस बार तो वापस आकर है ना 6-7 साल हो गया, तो मेमोरी थोड़ी फेड फेड से हो गई थी, मज़ा आ गया। मस्त लग रहा है, और दिस इज स्टिल एज इट इज जैसे हम लोग 5-6 साल पहले आए थे। ऊपर से और अच्छा कर दिया अभी ब्रांचेस व्रांचेस को ना सिल्वर कलर में वगैरह कलर किया है लोग ने, तो इट इज लुकिंग मस्त। अभी जाना चाहिए सनसेट पॉइंट पे। ये हमारे पीछे जो है क्रेजी बैलेंसिंग रॉक है, उसे बैलेंस किया गया है यार कुदरत। दिन हम लोग सनसेट, इतना मजेदार वाला सनसेट, ओ माय गॉड, लव्ड इट। वहां पर एक और स्पॉट है जहां पर बहुत सारे पब्लिक थे, तो हम लोग को ऐसा जगह चाहिए था जहां पर कम लोग हो। अगेन अ वेरी नाइस स्पॉट, गुड जॉब, आई मीन थैंक्स टू आवर गाइड। यस, उनकी रिक्शा का नाम BMW है। यस, हम लोग एक्चुअली मैं ना बाइक से भी आ सकते थे यहां पर, 13 किलोमीटर ही है सिर्फ हम लोग के होटल से, लेकिन वी वांटेड टू कम हियर, वी वांटेड टू सपोर्ट लोकल सर्विसेज, एंड वी वांटेड टू रियली रियली कम हियर एंड इंटरेक्ट विद यू गाइस। सो इसके वजह से हम लोग ऑटो रिक्शा में आए थे, एंड लवली, आई लव ऑटो रिक्शा। मस्त अलग अलग जगह पे लेके, और रिक्शा उनकी इतनी सही है ना, सही है, रिक्लाइनर सीट्स है, अंदर वाईफाई वगैरह सही है, मस्त। बहुत, आई जस्ट वांट टू एंड दिस वीडियो सेइंग दैट कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज वुमेन, जो सब लोग बोलते हैं, बट आई थिंक दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज वन सपोर्टिव हस्बैंड, जो उसके सारे ड्रीम्स को अपना मान के सपोर्ट करता है। आई हैव सीन सचिन स्ट्रगलिंग व्हेन आई वाज लर्निंग टू राइड। मैं जब बाइक चलाती थी, आई हैव सीन हिम कि वो कितना स्ट्रगल करता था, मैं गिर गई, कहाँ हूँ, क्या हूँ, वो इतना डरता था। और अभी भी जब भी कोई क्लाइंट्स आते ना स्टोर पे, वो यही पूछते कि आप कैसे किरण को सिखाए हो यार, कैसे आदमी हो आप, में इतना गट्स कैसा है। नहीं, रुलाने वाला बात नहीं है, लेकिन मैं आई एम फीलिंग रियली गुड बिकॉज आई नेवर वांटेड ट्रेडिशनल लाइफ। मुझे ना वो मुंडाने लाइफ और ट्रेडिशनल लाइफ 9 to 5 वो सब नहीं चाहिए था। एंड टुडे वॉट एवर वी आर, हम लोग का शायद स्ट्रगल किसी ने देखा नहीं है उतना, बट अगर कभी हम लोग को मौका मिले तो वी विल डेफिनेटली टेल यू कि हम लोग ने लास्ट 9 साल में कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या किया है, कैसे कैसे घूमे हैं, कैसे कैसे जगह पे रहे हैं हम लोग। 2016 में हम लोग, या 2017 में पहला वीडियो, YouTube का पहला वीडियो अगर जाकर देखोगे ना, वो हम्पी का है। तो अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो जाना, पहला वीडियो देखना, वो हम्पी का है। एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। आई मीन मैं फ्लैशबैक में चला गया। ऑब्वियसली हम लोग को वीडियो बनाना आता ही नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आता था चीज़ें, हम लोग को वी जस्ट वांटेड टू लाइक, हम लोग को फोटो वगैरह करना बहुत पसंद था। स्लोली स्लोली वीडियोज में आ गया, एंड And very happy about whatever life we have created for ourselves. और अपने लिए ना एक अच्छी जिंदगी create करना आपके हाथों में। You don't have to woo society, you have to woo yourself. So that's how it is. This is just second day of our ride. आगे बहुत लंबी ride. Planned नहीं था। ये मुझे बोला है। हम्पी plan में ही नहीं था। हम लोग directly आगे जहाँ पे कल आप लोग कल के वीडियो के लिए stay tuned रहिए। जो चीज की वजह से ये route लिया गया है ना, वो कल की वीडियो में आएगा। Stay tuned. So stay tuned.